जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं 16 जनवरी 2024 को मंगल देवता, पीछे काफ़ी समय से सितंबर के महीने से अस्त चल रहे थे तो 16 जनवरी को वो उदय हो चुके हैं और उनका जो उदय होना है वो रात को करीब 25:57-58 पे उनका करीब उदय हुआ है। तो ये मंगल का उदय होना बहुत सी राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुछ राशियों के लिए थोड़ा 19-20 का प्रभाव करेगा, कुछ राशियों के लिए ख़राब प्रभाव करेगा। अब किस किस राशि के लिए क्या प्रभाव करता है, आज इस प्रोग्राम में यही बात करेंगे आपसे। आज की जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के लिए मंगल का उदय होना कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये देखते हैं मंगल क्या है। देखिए, मंगल हमारी कुंडली में साहस का, पराक्रम का, हमारे पुरुषार्थ का कारक होता है। तो बिना मंगल के हम कभी भी कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें हमें ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकत के साथ हमें हिम्मत भी चाहिए। दोनों चीज़ हमें मंगल देता है। हमारी कालचक्र कुंडली में मंगल का जो स्थान है वो सेनापति के रूप में दर्ज है। इसको हम भूमिपुत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि का कारक होता है, जमीन का कारक होता है, मकानों का कारक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ज़िंदगी में जितने भी हमें मंगलमय काम मिलते हैं सब मंगल के द्वारा ही मिलते हैं। तो बात करते हैं कि मंगल अगर मेष राशि में है तो बहुत बढ़िया प्रभाव देता है, वृश्चिक राशि में तो अच्छा प्रभाव देता है, मंगल अगर मकर राशि में है तो और भी बढ़िया प्रभाव देता है। ये तो सब बात होती है मंगल के गोचर की, लेकिन अब जो मंगल का गोचर उदय हो रहा है वो हो रहा है धनु राशि में। बात करते हैं पहले मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए मंगल भाग्य में नवम भाव में उदय हो रहा है। नवम भाव मित्र राशि है, बृहस्पति की राशि है और इस समय बृहस्पति ही लग्न में बैठा हुआ है। तो यहाँ मंगल में और बृहस्पति में दोनों में राशि परिवर्तन योग बना हुआ है, बहुत अच्छा कह सकते हैं। नवम पंचम का योग बना है, बहुत अच्छा कह सकते हैं, बड़ा शुभ योग होता है ये, क्योंकि बृहस्पति से मंगल नवम भाव में और मंगल से बृहस्पति पंचम भाव में है। तो यहाँ बृहस्पति और मंगल की जो युति है बहुत ही अच्छा मेष राशि वालों के लिए परिणाम देने वाली है। विदेशों से आपको अच्छी आय के स्रोत बनेंगे। विदेशों से आपका अगर कोई भी लेन देन चलता है तो वहाँ आपको अच्छी इनकम होगी। और व्यापार के मामले में आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे आती है, सप्तम भाव हमारे व्यापार का भाव होता है। यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दिखाने वाली है। तो बृहस्पति आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न दोनों की बात कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया परिणाम लेके आया है। धन धान से समृद्धि से आपको भरपूर करेगा मंगल, और मंगल विदेश यात्रा भी करा सकता है आपकी। अगर कोई पढ़ाई लिखाई के लिए आपने यात्रा करनी है तो मंगल आपको सपोर्ट करेगा। आपने कोई बिजनेस व्यापार की यात्रा करनी है तो आपको मंगल सपोर्ट करेगा। और आपने अगर किसी प्रकार का विदेशों से आपका संबंध बनता है तो आप ये मान के चलिए कि मंगल आपको वहाँ हर तरीके से सपोर्ट करेगा। भाग्य में मंगल बैठने का मतलब होता है कि आपका जो भाग्य है मेष राशि वालों का, मेष लग्न वालों का, उस भाग्य को बल प्राप्त होगा। और भाग्येश का आपकी राशि में बैठना ये शो करता है कि वहाँ से भाग्येश अपने भाग्य भाव को देख रहा है तो भाग्य आपका प्रबल होगा। पिछले काफ़ी समय से मेष राशि के जातक परेशान चल रहे थे, लेकिन अभी मंगल का उदय होने के बाद इनके लिए बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं आप इनको। अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार इनके बहुत अच्छा चलेगा। पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। और धन संबंधी बात करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि भाग्य का मालिक स्वयं मेष राशि में बैठा हुआ है। तो कुल मिला के ये जो समय है मेष राशि वालों के लिए आप उसे उत्तम कह सकते हैं। मंगल का उदय धनु राशि में, धनु राशि में उदय होने का मतलब ये है कि मंगल भाग्य में बैठ करके अपने भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, अपनी राशियों के भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। मंगल यहाँ बहुत अच्छी पोजिशन में। आपके धन भाव की बात करते हैं, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके घर परिवार की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर आती है तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा क्षीण हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके पति पत्नी के संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ बैठ कर के मंगल और बृहस्पति आपके संबंधों को बहुत अच्छा बनाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, जो मेष राशि के जातक हैं उनके ब्याह शादी नहीं हो रहे थे, उनके ब्याह शादी के रास्ते बनेंगे। और मंगल
इतना बढ़िया प्रभाव देगा मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए कि इनको पीछे जो परेशानियां हो रही थी ज़िंदगी में वो सब दूर हो जाएगी। या एक छोटा सा स्वास्थ्य संबंधी इनको परेशानी भी आ सकती है, आपके पैरों में दर्द, तो जो धनु राशि है वो आपके पैरों को शो करती है, तो आपके जांघ में, आपके घुटने में, आपके पैरों में, आपके जोड़ों में कुछ दर्द की शिकायत रह सकती है। और मंगल पिता के घर में बैठा हुआ है तो हो सकता है पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ी सी दिक्कत हो, आपको वहाँ पिता के लिए कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप रोज़ाना अगर ओम भौमाय नमः मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, और आप हनुमान की सेवा करें तो ये जो समय है आपका 2024 का बृहस्पति और मंगल की कृपा से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।